बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे मैं आया हूँ, बहुत ही सुंदर जगह है रांची का, बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। आगे की ओर पेड़ उड़ बहुत सारे हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति है, इतनी अच्छी प्रकृति का नज़ारा आप लोग को देखने को मिल रहा है। सामने पहाड़ भी है, ये देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर छोटा सा पार्क जैसा बना हुआ है, बैठने उठने के लिए बनाया गया है और रास्ता भी बनाया गया, रोड जैसा भी बनाया गया। दूर में भी एक पहाड़ देख रहे हो, देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही पुराना घर है, एकदम भूत बंगला जैसा लग रहा है, देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों ध्यान से आपको। नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, पता नहीं दोस्तों मैं कौन सी जगह रहता, बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ, टूटा फूटा भी है यहाँ पे थोड़ा बहुत, ये तो बिल्कुल खंडर जैसा हो गया है, ऐसा लगता है इसमें कि भूत वगैरह आत्मा वगैरह रहता है इस जगह पे, ऐसा जगह ये दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप, एकदम सामने आ गया हूँ मैं, यहाँ पे टूटा फूटा हुआ है। आगे चलते हैं, आगे चल के घर की खिड़कियों पे झांकते हैं क्या, ऐसा लगता बहुत दिनों से या सालों से बंद। इतने खूबसूरत चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी, ऐसा लगेगा कि जंगल के बीचों बीच, जंगल के अंदर ही घर और बिल्डिंग वगैरह बनी हुए हैं, जंगल के अंदर ही ऐसा लगता है कि बिल्डिंग वगैरह बनी हुई हैं, क्योंकि जंगल के अंदर ही बहुत सारे घर वगैरह हैं, सारे घर और छोटे छोटे बिल्डिंग घर जितना भी बोल सकते हैं आप लोग, सारा चीज़ यहीं पर है, बहुत ही खूबसूरत। ये देख सकते हैं आप लोग एकदम प्रकृति के बीच में सारी जो बिल्डिंगें हैं, उधर दूर में आप लोग देख सकते हैं बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ऐसा लग रहा है कि 30-40 साल पुरानी बिल्डिंगें यहाँ पे हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुराने घर भी हैं। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे, इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा हरियाली है कि मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को सारा नज़ारा दिखाता हूँ, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, इतने सारे पेड़ पौधे हैं ना इस बाउंड्री के अंदर, और ये बाउंड्री बहुत दूर से घेरी हुई है, इस बाउंड्री के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और उन्हीं पेड़ पौधों के बीच, उन्हीं जंगलों के बीच बहुत सारे बिल्डिंग भी है, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं और छोटे छोटे घर भी हैं, टूटे फूटे घर भी हैं यहाँ पर, ये बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी हैं, यहाँ पर कोई लोग रहते नहीं हैं, बहुत कम ही कोई साइड में रहते हैं, कोई कोई घर में, बाकी सब बंद पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि हम रांची झारखंड में है ही नहीं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो हिमाचल की वादियों में हूँ या हिमाचल के किसी बहुत ही अच्छे प्लेस में हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इतना अच्छा नज़ारा है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज तक मुझे और कोई भी जगह में इतनी खुशी नहीं हुई जो खुशी मुझे यहाँ आकर हो रही है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं अद्भुत नज़ारा चारों तरफ का देख सकते हैं आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पर ठहर जाऊं हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी ही रह जाऊं, इतना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे यहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इस जंगल के बीच बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, इसलिए भी मुझे अच्छा लग रहा है, और बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, गर्मी के दिन में बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, और अभी शाम का वक्त है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगी, चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ घर दिखाता हूँ और।
ये देखिए दोस्तों, ये अजीब सा पता नहीं क्या बना हुआ है, गोल सा है एकदम, और इसकी खिड़कियाँ भी त्रिकोण टाइप की है। देखिए थोड़ा इसके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं क्या है, पता नहीं दोस्तों, अजीब सा है, कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता, एकदम अजीब सा लग रहा है। और ऊपर भी एक छेद टाइप का है, और सामने रास्ता भी है गेट के लिए, वहाँ पे बाहर निकलने के लिए। मेरी आवाज़ गूंज रही होगी। ये सामने टूटा फूटा छोटा सा एक घर है, सालों से ये सामने एक घर देख सकते हैं, बहुत सालों से लगता है बंद पड़ा हुआ, गेट भी खुला। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ये है रास्ता यहाँ से आगे की ओर, आगे की ओर आप दूर देख सकते हैं, बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है हम कहाँ आ गए हैं, कोई भूत बंगला वगैरह है क्या, इस टाइप का लगता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही अद्भुत चीज़ दिखाने वाला हूँ। पुराने ज़माने का कुआं, बहुत ही पुराने ज़माने का कुआं, आज से कम 60 साल 70 साल पुराने ज़माने का कुआं, 80 साल पुराना भी हो सकता है ये कुआं, 80 साल से भी ज़्यादा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह का पहले कुआं हुआ करता था, ये देखिए, ये देख सकते हैं, इस तरह लगाए रहते थे और यहीं से पानी उठाया जाता था, इस तरह का ये कुआ टूट, ये कुआं टूटा फूटा है, बहुत ही पुराना कुआं है, इस तरह का कुआं के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा पानी है, बहुत ही ज़्यादा पानी है, गंदा पानी है, काला दिख रहा है पूरा एकदम, ऐसा लग रहा है ना इस कुआं में आत्मा है या भूत वगैरह, ये चुड़ैल वगैरह इस टाइप का लग रहा है, बहुत ही पुराना दिख रहा है एकदम, मूवी में जैसा दिखता है उस टाइप का दिख रहा है, भूत भूताहा जैसा दिखता है, भूत है इसमें इस टाइप का। ये देखिए दोस्तों, दूर से मैं आपको से उठाया जाता था पानी वगैरह। ये देखिए दोस्तों, सामने ये बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पुरानी है, ये जंगल के बीचों बीच है, ये बिल्डिंग जंगल के एकदम बीचों बीच, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी अच्छी है। सामने एक छोटा सा घर भी है, सब देख सकते हैं, क्या ये जगह आ गया, मुझे इस जगह के बारे में बता दें, ये हिडन हिडन प्लेस का राज है, हिडन प्लेस में मैंने खोज निकाला, बाकी बहुत लोग जानते होंगे, काफ़ी लोगों को इस बारे में पता है, आगे बारे में आप लोग देख सकते हैं। आप थोड़ा हम सामने जाने की कोशिश करेंगे, इस घर के अंदर भी जाएंगे, हम एकदम घर के अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या है इस घर के अंदर, कोई रहस्यमय चीज़ तो नहीं है इस घर के अंदर, या ये घर सिर्फ ऐसे ही पड़ा हुआ है, या कोई रहस्य इसमें छुपा हुआ है इस घर के अंदर। चलिए सामने चलते हैं। देखिए दोस्तों, इधर से आप लोग नज़ारा, ऐसा लगता ही नहीं कि हम रांची झारखंड के अंदर हैं, ऐसा लगता है हम कहीं और हैं, कोई अलग ही दुनिया में, बहुत ही अद्भुत दुनिया है ये, मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों मुझे ये जगह खींचती है अपनी ओर, अट्रैक्ट करती है, वाई। ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने जा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, काफ़ी दिनों से बंद पड़े हैं ये सब, यहाँ पे एक कुत्ता भाग रहा है, बहुत सी अजीब सी आवाज़ भी आ रही है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से रास्ता है, ये देखिए, ये देखिए, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा नाला भी है, इस नाले में पानी उनी बहता है, काफ़ी दिनों से बंद भी पड़ा हुआ है, ठीक है,